हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, अभी बज रही है 10 और आज मैं ना थोड़ा लेट सो के उठा, क्योंकि ना रात में भजन का कार्यक्रम था, जो 10वां 11वां होता ना मौत में, तो वहाँ पे कार्यक्रम रखा था, तो उसी भजन संध्या में गया था। इसी वजह से मैं थोड़ा लेट सो के उठा। तो पहले आप ये नाइट की एक क्लिप देख लो। अभी तक मैं यही खड़ा हूँ, आपने देख लिया वीडियो, आई होप देख लिया होगा। तो अब चलते हैं घर में, क्या हो रहा है देखते हैं। मम्मी क्या बना रही है आज और बाबू क्या कर रहे हैं। तो अभी मम्मी इधर निकाल रही है बाटियों को थाली में। ये उबल गए ना मम्मी? उबल गए। अब इनको ठंडे पे सेकेंगे ना? उबल गए, इनको ठंडे करेंगे। हाँ, मतलब पंखा में, पंखे में सुखा के, क्योंकि अगर अभी सेकेंगे तो अभी ये सब चिपकने लग जाएगा। तो इसको अभी पंखे में सुखा देंगे, अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, उसके बाद में फिर कंडे में इसको सेक लेंगे। और बहुत ही टेस्टी बनता है ये दाल। कई मतलब कई कई जगह दाल बाफली भी बोलते हैं, कई कई जगह दाल बाटी बोलते हैं इसको। और एक बदमाश बच्चा ये खेल रहा है इधर। वेदू का कल्ला बिट्टू, हम जा रहा, मैं तो जा रहा, मैं तेरे को लेने वाला नहीं हूँ। नहीं लूँगा, मैं नहीं लेने वाला ये का। नहीं। तो ये देखो, मेरे पैर पकड़े खड़ा हो गया। चल अपन बाहर चलते हैं। यहाँ पे भी कंडे जला दिए, अब यहाँ पर बाटी सेकेंगे। तो भी बाटियाँ हैं ना पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिए, और ये मस्त जब सूख जाएगी ना थोड़ी सी, क्योंकि अभी हल्की सी चिपचिपी है, जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगी ना फिर इनको इधर कंडे पे सेकेंगे यहाँ पे। और ये कंडे भी लगभग हो ही गए हैं बाटी, तो अभी बाटी सेकना स्टार्ट कर दिए। और जब बन जाएगी ना आपको भी दिखाएंगे और आपको भी खिलाएंगे ये बाटी।
कई चिंता लगती है। और काफ़ी लोगों ने खाया होगा वैसे, क्योंकि नॉर्मली बनती रहती है, बट इसे उबाल के हमारे यहाँ कम बनती है। इसमें कितना टाइम और लग जाएगा? आधा घंटा भी और लग जाएगा। मतलब सीख गई अच्छे से ये, अब इनको निकाल रही मम्मी। और फिर इनको निकालने के बाद थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि राख लगी हुई है ना। और उसके बाद में फिर घी वी डाल के मस्त खाएंगे। ए ए ए गरम है, गरम है। हाँ चल रहे, बोलो ना तू, गरम है कही है। कुछ हाँ हो गई होगी तो ना। हाँ हो गई होगी रे, देख हो गई होगी, हो गई। वैसे भी तो उबली है ना वो, मैंने बढ़िया तरीके से साफ कर दी है। ये देखो ऐसी थी बाटी, और अभी देखो पूरी सफा हो गई है। और इधर घी निकाल लिया इसमें से, और अब इसमें घी लगाएंगे। दाल बन गई मम्मी। तो ये रही हमारी आज की दाल बाटी। स्टार्टिंग से बताता तो एक रेसिपी बन जाती है, जैसे क्या मम्मी ने मतलब आटा कैसे गूथा, नरम या कड़ा, आटे में क्या डाला, ये सब चीज़ें बताता तो एक रेसिपी तैयार हो जाती। किसी दिन ट्राई करेंगे, अभी तो भूख लग रही है जोरों की इसको देख के। जल्दी से बनेगी तो फिर खाएँगे, और आपको खाना है तो बता देना, भिजवा देंगे, आपके लिए भी भिजवा देंगे। घी लगा लो मम्मी। बाबू तो ये अब घी लगा रही मम्मी, जल्दी जल्दी लगा दो तो फिर खाने में मजा आएगा। क्योंकि घी की मात्रा कुछ ज्यादा नहीं लग रही बाटी में। नहीं तो बाफने में ऐसे ही घी डलता है, इतना ही घी होना जल्दी अच्छी लगती है। मतलब एकदम घी में ज्यादा ही घी होना, घी में डुबाना पड़ता पूरी थोड़ा सा है ना, जल्दी अच्छी लगती है। इसका नाम दाल बाफले, दाल बाफले, बट मैं तो इसको दाल बाटी बोलूँगा। दाल चोखा बोलते, दाल चोखा। चोखा मतलब तो चावल होता है ना, नहीं बाटी को बोलते। चोखा मतलब चावल होता है, बाटी भी होती है, बाटी दाल चोखा। सब अपने अपने एरिया के हिसाब से है। सो दोस्तों लगभग खाना बन ही गया है, बाटी तो आपके सामने बनी गई थी और दाल भी उबल रही है, और आज मेरी मनपसंद चीज़ बनी है ना, तो खाने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आने वाला है। और दिन में मुझे दाल बाटी अधिकतर बनती है तो बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा पसंद है। और रात का खाना की बात करें तो दाल चावल, दाल चावल रात में मुझे दाल चावल ही पसंद है। दूसरी चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, जैसे दूसरा कुछ बना होता है ना तो मैं बहुत कम खाता हूँ, बट दाल चावल अगर बनते हैं तो मैं रात में दो बार खाता हूँ। तो अब फटाफट मैं भी नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो अभी खाना निकाल लिया हूँ, इधर बाटी रखी है, दाल रखी, और इधर प्लेट में भी निकाल लिया है। तो दोस्तों खाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या टेस्ट है। एक नंबर बाटी बनी। तो दोस्तों तभी दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं सो के अभी उठा हूँ, खाना खाया और मैं सो गया था। तो अभी मम्मी ने मेरे को उठाया और बोला कि खेत में चले जा, खेत से भुट्टे लेके आना है, क्योंकि अभी 2-4 दिन में है ना वो जो भुट्टे हैं ना उनके दाने कड़क हो जाएंगे, फिर वो खाने लायक नहीं बचेंगे भुट्टे, इसलिए सोचा कि अभी तोड़ के ले आता हूँ। तो अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने, और इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि थोड़ा सा गीला है और कीचड़ है, इसलिए अब यहाँ से पैदल यात्रा चालू हो गई है। चल थोड़ा जल्दी, पैदल यात्रा चालू हो गई है। बस थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 खेत के बाद में हमारे ही आ जाएगा तीसरा खेत। बाकी इधर क्या भी थोड़ा गीला है ये नीचे, इस वजह से बाइक नहीं आएगी। ऐसा रास्ता है अभी तो इसमें क्या गाड़ी नहीं चलेगी अच्छे से, गीला है और आगे थोड़ा और ज़्यादा गीला है। तो अभी फाइनली आ गए हम हमारे खेत में, ये देख सकते हो ये हमारा ही खेत है, और इसमें से भुट्टे तोड़ेंगे अभी हरे हरे वाले। तो आप लोगों को मैं पहले भुट्टे दिखाता हूँ, ये देखो ये लगे हैं भुट्टे, हूँ बाकी हरे हैं, बाकी थोड़े सूख भी रहे।
समझ में नहीं आ रहा भुट्टा कहाँ छोड़ना, सारे के सारे तो यार ये सब पीले पीले हो गए हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ये सब खेत है। अरे भुट्टे ही नहीं समझ में आ रहे कहाँ से छोड़ना। और मैं है ना टी शर्ट पहन के आ गया, और मैं ध्यान से उतर गया कि मुझे मक्का में घुसना। इसके जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत तगड़े रेशेदार होते हैं, पूरे काट देते हैं। ये एक भुट्टा हरा मिला है, बाकी तो सब सूखे सूखे दिख रहे हैं। अच्छा हरे भी है अंदर अगर घुसेंगे तो, लेकिन अभी भयंकर गर्मी हो रही है इसके अंदर, सजी हो रहा है। तो अभी मैंने देखो बताता हूँ आपको कितनी सारी मक्का तोड़ी है, थोड़ी सी तोड़ी क्योंकि ना अधिकतर तो पक गई है, बहुत ढूंढना पड़ रहा है। ये देखो, ये देखो अभी इतनी मक्का तोड़ी, इतने सारे भुट्टे तोड़े हैं, अब ये कैसा पक गए। ये इधर है थोड़े हरे 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 दिख रहे हैं, बट समस्या वही है ना कि इसमें थोड़े कड़क दाने हैं, हम नरम वाले ढूंढ रहे हैं। ये ऐसा जैसे ये वाला, इस टाइप के भुट्टे नरम वाले। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।